तो मीटिंग के बाद आप उन्हें जब वो बोलता है ये प्रमोट किया गया एमएलएम के मीडिया के जरिए, तो एमएलएम क्या है अगर सामने वाला पूछता है तो आप क्या बताते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? एक दूसरों को जोड़ने का, कैसे? फेविक्विक से कि फेविकॉल से? अजी क्या है एमएलएम? ये मेक लॉट ऑफ मनी वगैरह तो ठीक है, बट व्हाट इज एमएलएम? ये बेसिक सवाल अगर कोई आपसे करें पीओएम के बाद, यहीं पे तो हम फ्लैट हो जाते हैं। बहुत से लोग एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ये शब्द जब सुनते हैं तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इंडस्ट्री ठीक नहीं है, ये पेड़ा गिला भी लेड़ा बनाने का इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि काफी लोग ने अपने उंगलियां ने अपने शरीर तक जला है। किसमें? एमएलएम में नहीं, आलतू फालतू स्कीम्स में, जहां आप दो 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 को जोड़ते हैं। ये जोड़ना जो होता है वो बाइनरी प्लान्स में होते हैं, पिरामिड्स में होते हैं, एमएलएम में नहीं होता। एमएलएम यानी क्या? सिंपल, प्रचार करना, अपना अनुभव दूसरों को बताना, दैट्स व्हाट एमएलएम इज। प्रचार करना, रिकमेंड करना, प्रमोट करना, एक शब्द में आप बयान कर सकते कि एमएलएम है क्या। बहुत सारा लंबा चौड़ा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है कि टीवी बनाओ, बीवी बनाओ, क्रिस्टालियन बनो, जोड़ो, नहीं, जस्ट प्रचार कीजिए। और इस तरह से अगर आपने शुरुआत की, एक सिंपल सा एक फ्रेज है, मोस्ट पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग एवरी डे, मोस्ट पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग एवरी डे बट आर जस्ट नॉट बीइंग पेड फॉर इट, यानी हमने से हर एक ने बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग की है, बचपन से की है, लेकिन आज तक हमें उसके लिए बोनस नहीं मिला। समझ में आया भाई साहब? समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं ये सवाल आपसे करता हूं कि अरे यार हमने, हमें से बहुत से लोगों ने बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग की है लेकिन आज तक हमें उसके लिए बोनस नहीं मिला, वो पूछे यार क्या बात कर रहे हो, बचपन से हर एक ने नेटवर्क मार्केटिंग की है, क्या तुम समझा सकते हो कैसे? तो फिर क्या बोलोगे? जैसे कि अगर आप कोई अच्छे होटल में खाना खाते हैं तो आप अपने मित्रों से बोलते हो कि यहां का खाना बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, आप अगर जाएं तो वहीं जाकर खाएं, तो क्या होगा? आपने दो लोगों को बताया, दो ने दस को, दस ने सौ को बताया, महीने के आखिर में होटल वाला आपको ढूंढ रहा है, क्या नाम है आपका? नाजी वाजिद अली कहां है? महीने के आखिर में ढूंढ रहे हैं वाजिद अली कहां है, क्योंकि सौ लोग आके उनके होटल में खाना खा के जा चुके हैं, तो उनको मुफ्त में खाना खिलाएंगे, पूरे परिवार से खिलाएंगे नहीं साहब? क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है कि वाजिद अली की वजह से सौ लोगों ने जाकर वहां खाना खाया, यानी हमने बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग की है लेकिन हमें आज तक बोनस नहीं मिला। तो ये एक वाक्य अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, सामने वाले जो है वो अपनी मन स्थिति को वहां छोड़ के आपके बगल में आके बैठकर पूछते क्या बात करो, नेटवर्क मार्केटिंग हमने की, क्या तुम समझा सकते हो? तो एक उदाहरण हुआ होटल में खाना। वैसे हम बहुत कुछ बचपन से प्रचार करते आए कि नहीं? करते आए, लेकिन यहां एमएलएम में प्रचार करने के बाद आप लोग मेंबरशिप लेते हैं, आप प्रोडक्ट का सेवन करते हैं और लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो आपको हर एक महीना बोनस मिलता है। क्यों मिलता है? रिकॉर्ड है उसका, क्योंकि हर प्रोडक्ट के खाने से क्या मिलता है? पीवी मिलता है। पीवी क्या है आप पूछिए? गुप्ता जी ने तो शुरू से समझाया था, पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, यानी हर प्रोडक्ट को पीवी होते हैं, पॉइंट वैल्यू होता है, पर्सनल पीवी, ग्रुप पीवी, एक्युमुलेटेड पीवी, इस तरह से आपको बोनस हर महीना मिल जाता है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एमएलएम इज, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस तरह से आप एक उदाहरण देके समझा सकते हो। अब अगर हमें डीएक्सएल में, जो कि एमएलएम के जरिए प्रमोट किया जाता है इस बिजनेस को, डीएक्सएल में अगर सक्सेसफुल बनना हो तो क्या करना चाहिए? तीन चीज करना है, एक स्पॉन्सर करना, दूसरा सर्विस देना और तीसरा यूज एंड सेल द प्रोडक्ट। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। ये सही है ऑर्डर? बिल्कुल सही है, पहले स्पॉन्सर करो, फिर सर्विस दो और फिर प्रोडक्ट खाओ। सही है सर ऑर्डर? ये बिल्कुल सही है, नहीं सही है? क्या बात कर रहे हो, मारेंगे सब लोग। पहले प्रोडक्ट
बताओ। बहुत से लोग बिजनेस ऐसे ही शुरू करते हैं, इसीलिए स्टार एजेंट भी नहीं बनते। मुश्किल से स्टार एजेंट तो बन पाते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे नहीं चलती, क्योंकि वो बोलते हैं मैं नहीं खाता हूं लेकिन तुम जरूर खाना मारूंगा, नहीं खाया तो लेकिन खुद घर में नहीं खाता। और ये बिजनेस में अगर आपको डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर भी बनना हो तो आपको आपके परिवार में हर एक को इन प्रोडक्ट का सेवन करना जरूरी है, कंजम्पशन। तो ये ऑर्डर सही नहीं है सत्येंद्र, पहले खाओ खिलाओ फिर स्पॉन्सरिंग आसान हो जाता है और फिर उसे सर्विस देना चाहिए। तो बेसिकली व्हेन यू गो टू सी द ऑर्डर, पहले आता है कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट।